नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने कुरडेग प्रखंड का भ्रमण करते हुए गांव के रिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा बहाल करते हुए सालों भर बहने वाले नहरों से वर्षों तक स्थानीय किसान कृषि कार्य को कर सके। इस दिशा में गिरांग डैम, खिंडा डैम एवं सोनाजोर नाला का निरीक्षण किया। सिंगी घाग गांव स्थित सोनाजोर नाला का निरीक्षण किया। खेतों के मेड़ों से होते हुए कृषि कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता एवं मिट्टी की उर्वरक क्षमता का आकलन करते हुए लघु सिंचाई के कार्यपालन अभियंता को अविलंब नहर के इर्द गिर्द रैती एवं गैर मजरुआ भूमि का मैपिंग करते हुए सिंचाई हेतु पानी के ठहराव हेतु नगर में स्टोरेज पॉइंट के निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि सालों भर सोनाजोर नाला में पानी बहता है। नहर से खेत तक सिंचाई सुविधा मिलने से हम अपने किसानी कार्य को सालों भर अच्छे से कर सकेंगे। उपायुक्त ने नहर के इर्द गिर्द अधिक से अधिक हेक्टेयर की भूमि को सींचा जा सके इस पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी के स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि दूर तक किसान खेती कर सके। पाइपलाइन एवं लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों के खेत पर सिंचाई हेतु सुविधा बहाल की दिशा में निर्माण एवं अधिष्ठापन से संबंधित कार्यों का प्रस्ताव प्रतिवेदन तैयार करते हुए समर्पित करने का निर्देश दिया। कुरडेग प्रखंड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनके स्लोप के हिसाब से, जिनके वाटर से कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि धान की खेती को चयन किया गया है, बिकॉज वहाँ पर नाला, वहाँ पर डैम, वहाँ पर किसी भी तरह का जो हम लोग पानी रोकने का है प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन अगर कहा जाए तो बहुत जगहों पर इसका फ़ायदा हम लोग नहीं देख पाए हैं, और इसका फ़ायदा तभी हो पाएगा जब पुराने स्कीम्स को हम लोग उसके मैक्सिमम यूटिलिटी में पब्लिक को लेते हुए पब्लिक के सहयोग से वहाँ पर इस काम को करा सकते हैं। तो उन सभी वहाँ के लोगों को हम लोग ग्राम सभा कराते हुए समझाएंगे, उनसे सहमति लेंगे और उनके साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित कराते हुए उनके बेहतरीकरण के लिए, अगर एक बार खेती करते हैं 3 बार की खेती के लिए, और अगर 100 हेक्टेयर है तो उसको बढ़ाते हुए कम से कम 150 से 200 हेक्टेयर जो है वो नए क्षेत्रों में भी हम लोग खेती कराते हुए वहाँ मछली पालन कराएंगे, वहाँ पर हम लोग बतख पालन कराएंगे। बहुत सारी योजनाओं को जो एक साथ समेकित रूप से लेते हुए हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आशा करते हैं कि जल्दी ही कुरडेग में एक कृषि की एक जो नई रिवॉल्यूशन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो पूरी टीम जो है, चाहे वो प्रखंड की हो, अंचल की हो, जो हमारी ग्राम सभा के सभी सदस्य लोग हैं, सभी लोगों की सहमति से ही इस काम को हम लोग करा पाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।